नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं शेफ आसिफ सोहरावर्दी। आज हम खट्टी दाल बनाएंगे। खट्टी दाल बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार है उसमें शामिल है पानी 2 से 3 कप, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 1 से 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्ची 2 अदद, मूंग की दाल 1/4 कप, पानी में 15 से 20 मिनट भीगी हुई, मसूर की दाल 3/4 कप, 15 से 20 मिनट पानी में भीगी हुई, टमाटर 2 दरमियानी साइज के, इमली का खट्टा 1/2 कप, कुकिंग ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच, साबुत लाल मिर्च 4 से 5 अदद, जीरा 1/2 खाने का चम्मच, कड़ी पत्ता 10 से 15 पत्ते। एक पतीले में पानी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्च, मूंग की दाल, मसूर की दाल और टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और उबाल आने दें। अब 1/2 ढक्कन ढककर इस पर लकड़ी की टोई रख दें और हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट दाल गल जाने तक पकाएं। फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। इसके बाद इमली का खट्टा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और 4 से 5 मिनट के लिए पकाएं। एक अलग फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल और साबुत लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। उसके बाद जीरा, कड़ी पत्ता डालकर कुछ सेकंड्स तक फ्राई करें। दाल के ऊपर तड़का लगाकर सर्व करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।